कुशीनगर में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण को देखते हुए ये रैली रखी गई है, जबकि भाजपा के कई बड़े नेता पहले ही यहां आ चुके हैं। अखिलेश यादव ने कुशीनगर स्थित पडरौना नगर के छावनी के पास स्थित सब्जी मंडी में सातवें चरण में जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश ने कुशीनगर लोकसभा से उम्मीदवार अजय सिंह सैंथवार उर्फ पिंटू के पक्ष में लोगों से मत की अपील की। जनसभा के दौरान अखिलेश ने भाजपा और सीएम योगी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि सातवें चरण में डबल इंजन की सरकार धुआं फेंक रही है। वहीं उन्होंने सीएम योगी के लिए वैसे तो इनका बुलडोजर हमेशा तैयार रहता है, लेकिन पेपर लीक वालों के लिए इनके बुलडोजर और उनकी चाबी कहीं खो गई है। कुशीनगर से अनुराग रंजन की खास रिपोर्ट। सरकार में हुई है, सबके पेपर लीक हो गए, कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ, जितनी भी परीक्षाएं हुई सबके पेपर लीक करा दिए सरकार ने। और अभी हाल में जो पुलिस भर्ती हुई थी उसके लिए हमारे नौजवानों ने तैयारी की थी, मेहनत करना शुरू कर दिया था और उन्हें उम्मीद थी कि ये जो पुलिस की भर्ती किया, दो दिन की परीक्षा चली है, इसमें इनको नौकरी मिल जाए, इनका भाग्य बन जाएगा। लेकिन सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया। जब नौजवान अपनी परीक्षा देकर के घर लौटा तो पता लगा उसका पेपर लीक हो गया। केवल एक पेपर लीक नहीं हुआ सरकार में, इस सरकार में जितनी परीक्षाएं हुई है सबके पेपर लीक हुए हैं। और फिर मुख्यमंत्री तो पड़ोसी हैं, तो डबल इंजन को कहने वाले कुशीनगर में आते आते इनके डबल इंजन की हवा क्यों निकल जाती है, इनके इंजन के धुआं क्यों निकल जाते हैं? न कोई सड़क बना पाए, जो सड़कें बनी हुई थी वो गड्ढे हो गए, न बिजली का ठीक इंतजाम कर पाए, बिजली का बिल बढ़ा दिया, स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं, एम्बुलेंस खराब कर दी, 100 नंबर खराब कर दी, तहसील और थाने में भ्रष्टाचार बढ़ गया। हमारे पुलिस भाइयों को तो ये लगता है कि 100 नंबर से 112 हुआ है, उन्हें भी अपना रेट बढ़ा लेना चाहिए। तो हर जगह भ्रष्टाचार बढ़ा, निवेश के नाम पे सपने दिखाए, कहाँ निवेश जमीन पर पहुंचा। और फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर इन्होंने बड़े बड़े लोगों से चंदा वसूल लिया, इलेक्टोरल बॉन्ड।